मनावण आई माता बहनों का भजन है विशेष करिए। अरे थाने मनावण आईयो तेजू दादा थाने मनावण आई थाने मनावण आई थाने मनावण आईयो तेजू दादा थाने मनावण आई थाने मनावण आई। वन टू थ्री चार
अब आप अमर जी आप तो यहाँ पे शायद अभी दूसरी बार आए हो, मैं पहली बार आया हूँ। भंवर जी मुझे मिले थे, बोले यार महावीर जी हम जहाँ पे चल रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, बहुत अच्छी पब्लिक होती है, देखना आप। अब मुझे आके वास्तव में यकीन हो गया कि वास्तव में यहाँ की सभा है वो एकदम राम सभा है, और जब राम सभा है सभी भक्त लोग बैठे हो तो बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐसा हमें भी लगना चाहिए कि वास्तव में ये धरती है वास्तव में चमत्कारी धरती है, क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है साहब। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार है तब हम लोग यहाँ पे इतनी भीड़ में इकट्ठे हैं साहब, बाकी चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। बाकी मेरा भी यहाँ पे नमस्कार है, मेरी पूरी टीम का, बहुत अच्छा लगा। एक बार जिन जिन भक्तों के पास मोबाइल है अपना मोबाइल बाहर निकाल के और अपने मोबाइल की टॉर्च चालू करके बाबा के चरणों पर अपनी हाजिरी दे, ताकि हमें भी ऐसा लगे हमें भी आज हम भी नागौर में जाके बोलेंगे यार हम चूरू जिले के अंदर आज वहाँ पर रतनगढ़ के पास में गए थे धात्री में, वहां पे ऐसे आप बोलते हो हमारे ऐसे वैसे, लेकिन वहां की तो बात ही अलग है साहब। हम धन्य हो गए, अपना मोबाइल बाहर निकाल के अपनी ईमानदारी से, यदि किसी ने भूल भरोसे थी मोबाइल की टॉर्च चालू नहीं की, बाप रे शोभन काल सबारा मोबाइल हैंग होवेला और सबारा मोबाइल खराब होला देख लीजिए और सबारा फॉर्मेट होवेला, और दोनों हाथों को उठा के ऐसे ले रहते हुए बोले तेजू पीर दादा की यारो गणो लागे वो तेजू दादा शिवर जाता रो सिरदार, यारो गणो लागे वो तेजू दादा शिवर जाता रो सिरदार, ए दादा रो सिरदारी ओ थारे भक्ति सब आना जाना होता है, बड़े बड़े मंच करते हैं, लेकिन मैं कसम से बता रहा हूं समथिंग 12:30 बजे का टाइम है, और ये तो मेरा आज ये एरिया है, आज ये मेरा बेल्ट है, मैं यहां पे आता जाता रहता हूं। मैंने पिछले दिनों में एक कार्यक्रम किया था 2-4 महीनों पहले एक धाम में नाथू दादा मिलिट्री एरिया के अंदर लूणकंद सर के अंदर है, वहां पर मैंने कार्यक्रम किया था नाथू दादा की, या तो मैंने वहां पर ऑडियंस देखी थी और या फिर दूसरी बार मैं यहां पे देख रहा हूं साहब धात्री गांव में, क्या बात है। मेरे दो हो गए, अब मेरा अगला कार्यक्रम है 6 अप्रैल को, ये एक संकट मोचन धाम है अजी छत्तरगढ़ के पास में, अजी वहां पे भी बहुत बड़ा मेला है, लेकिन मेरे जीवन में ये इतिहास है साहब, अजी मेरी नजर में ये इतिहास है और बहुत ही वास्तव में बहुत अच्छी राम सभा है। आप रात्रि भर ऐसे ही बैठे रहेगा आनंद लेते रहिए और दोनों हाथों उठा के मीठी मीठी तालियां भी बजाते रहो आप सभी, और जो वो पीछे लोग खड़े हैं उसे मेरा निवेदन है वो भी बोल दो एक बार बोले भक्तवत्सल भगवान की बोले कौमात की अने मनावण आइयो तेजू दादा थाने मनावण
नागोरी शुरू है भजीड़ में तो टाइम कौन रखा।